हेलो दीपक। हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ, तू बता। चल छोड़ उन बातों को। अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार कि एक वीडियो बना रहा था मैं वेज सोर्सेज पे, तो मेरे को इतना बता दे कि पहली आइटम देख लेते हैं हमारी। ये है गुड ओल्ड पनीर, चीज़ बोलते हैं हम जिसको। और आप देख लीजिए, इसमें 100 ग्राम में होता है अराउंड 18 से लेके 20-22 ग्राम तक प्रोटीन। वो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इतना वेरी करता है। और इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप बल्किंग कर रहे हैं और आपको वैसे भी फ़ैट की ज़रूरत होती है तो इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। और अगर आपको फैट के मामले में इससे घबराहट है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसी का अल्टरनेटिव जो है कैसीन प्रोटीन। तो वैसे दो तरह के प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में बेसिकली। एक तो वे प्रोटीन जो आप सबने सुना होगा, दूसरा होता है कैसीन जो बहुत कम लोगों को पता है। तो ये लंबे समय तक आपके पेट में रहता है, यानी कि डाइजेशन होने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि पनीर को डाइजेशन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको आप डाइट पे हैं तो आप पनीर नहीं खा सकते हैं तो यू कैन यूज़ दिस, बिकॉज दिस हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट। और अगर आप चाहते हैं मैं एक डिफरेंस वाली वीडियो बनाऊं कि वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन के बीच में क्या डिफरेंस है और किसको कब क्या लेना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट चाहिए, एटलीस्ट 50 कमेंट्स, देन आई विल मेक वन वीडियो। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं हमारी। नेक्स्ट आइटम हमारी होगी सोयाबीन। सो सोयाबीन मार्केट में कई फॉर्म्स में अवेलेबल है। सो दिस इज़ द वन विच आई प्रेफर, दिस इज सोया चंक्स। यू नो न्यूट्रेला सोया चंक्स आती हैं मार्केट में, या और बहुत ब्रांड्स की आती हैं। एक्चुअली दाल भी अवेलेबल होती है, लोग बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मैं दाल को प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है और वो काफ़ी लोगों को गैस देती है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ सोयाबीन दैट यू कैन हैव एंड इट इज़ वेरी चीप। इस 100 ग्राम में 50 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाता है और 30 ग्राम के अराउंड कार्ब्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अराउंड 50% आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन से अगर आपको डर है कि आपको आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाती है, या कुछ बोलते हैं कि सेक्स लेवल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो बिल्कुल बकवास है। वो तब होगा जब आप एक्सेसिव अमाउंट में उसको कंज्यूम करेंगे। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही चीप सोर्स है एक वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन। तो एंड अगर आपको सोयाबीन भी पसंद नहीं है, आपको कुछ लोग होते हैं उनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो व्हाट दे कैन हैव इज दे कैन हैव अनदर आइटम विच इज़ टोफू, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा सोयाबीन के मुकाबले, लेकिन फिर भी डिफरेंट ब्रांड्स में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी गाइज। अपने घर के पास आपके पास जो अवेलेबल है चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास जो ये है, इसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम के करीब प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 2 ग्राम और फैट्स 10 ग्राम के करीब है। तो ये मसाला फ्लेवर है मेरे पास, दो फ्लेवर आते हैं, रेगुलर और मसाला भी। आप अपने एरिया में देख लीजिएगा कौन सा अवेलेबल है और न्यूट्रिशन चेक कर लीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट आइटम ऑन माय लिस्ट इज़ हरी, जो दाल होती है हमारी। आप कोई भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 25 से 30% प्रोटीन होता है, ठीक है। आप हरी दाल ले लीजिए या कोई भी और दाल जो आपको पसंद है। मैं हरी दाल इसलिए पसंद करता हूँ कि इसको भिगो के रखने के बाद इसमें स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जैसे कि पंजाबी में बोलते हैं कि भुग्गा निकल आती हैं, ठीक है। तो उसके नाल विटामिन सी भी बढ़ जाता है इसमें और ईजिली डाइजेशन में ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्प्राउट्स नहीं भी निकालने हैं तो भी आप इसको सिर्फ पानी में भिगो के रख दें तो आप अगले दिन खा सकते हैं। स्प्राउट्स लेने के लिए, स्प्राउट्स निकालने के लिए आपको एडिशनल टाइम वेट करना होगा, ठीक है। सो 100 ग्राम में इसको आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि हर आइटम में प्रोटीन कंटेंट कम होता जा रहा है। बेस्ट सोर्स गाइस वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स ही रहेंगे, दूध या दूध से तैयार हुए प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद सब उसके पीछे ही आते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में जो है वो है पीनट्स। जी हाँ, आपकी रेगुलर जो मूँगफली होती है वो काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है आपके साथ। आप दूध वाले प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ कर लें या आपके ग्रेन्स दालें उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं इनको। आप कोई भी आइटम में अपने खाने के साथ ऐड कर सकते हैं, राइट। तो 100 ग्राम में इसमें आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन इसके साथ आपको 50 ग्राम फैट भी मिलता है। जितना भी आप कंज्यूम करेंगे उसमें हाफ इसमें फ़ैट भी होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो अच्छा फ़ैट है
वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो आपको 25 से 30 ग्राम ये प्रोटीन भी देती हैं। आप किसी भी मील्स में इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे पर्सनली मैं एग्स में भी इनको डाल लेता था कई बार, ठीक है। तो अगर आपको पीनट्स भी नहीं पसंद हैं या एक इसका अल्टरनेट चाहिए, वो सब हम खाते हैं, वो है पीनट बटर। पीनट बटर इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन यूज़। और ये जो मैं ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक नीचे डाल दूंगा मैं कि ये कौन सा ब्रांड है, वो आप नीचे परचेज़ कर सकते हैं अमेजोन से। एंड आई पर्सनली लाइक दिस ब्रांड वेरी मच। और यार जो फाइनल सोर्स है हमारा प्रोटीन का, उसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़ हूँ मैं। मतलब मैं चाहता हूँ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दें कि वो सोर्स मैं सही हूँ उसके बारे में, गलत हूँ, क्या वो वेज सोर्स है या नहीं है। मैंने उसके बारे में अपने फ्रेंड दीपक से बात भी की, लेकिन उसने मुझे कोई सही राह में डाला नहीं, मुझे उसने गलत ही मतलब कुछ और ही बातों को लेके बैठ गया वो। हेलो दीपक, हाँ ठीक हूँ, तू बता। चल छोड़ उन बातों को। अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार कि एक वीडियो बना रहा था मैं वेज सोर्सेज पे, तो मेरे को इतना बता दे कि अंडा जो होता है वेज है नॉन वेज? नहीं यार मैं पूछ रहा हूँ, जैसे वो उसकी बात करना, तेरी गर्लफ्रेंड की डैडी ने तेरी बेइज्जती कर दी, मैं क्या करूँ उसमें? तू ये बता अंडा वेज है या नॉन वेज? नहीं यार मुझे नहीं जानना है कि क्यों की तेरी बेइज्जती है डैडी ने, तेरे काम ही ऐसे होते हैं, ठीक है? तो मुझे पता है क्यों की होगी, छोड़ उसको, तू मेरा बात का जवाब दे बस। अच्छा तो मुझे क्या पता यार, मेरी लिस्ट में लड़की तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? एक मिनट, और तू मेरी लिस्ट में लड़के को रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा है साले? फिर तू मेरे से पूछ रहा है कि तेरे गर्लफ्रेंड के बाप ने तेरी बेइज्जती कर दी है, तो ऐसे काम करेगा तो ऐसे होगा ना? तुझसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दे ना कि अंडा वेज है या नहीं है। अच्छा तो मतलब तू हर दूसरा सवाल पूछेगा, हर बात बताएगा, लेकिन ये बात नहीं बताएगा कि अंडा वेज है या नॉन वेज, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगली बार फोन करना तू, सप्लीमेंट बता दो, डाइट बता दो, अगली बार फोन करना फिर तेरे को मैं पूछूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछ लूंगा, दफा हो तू, चल। तो यार आप ही बता दो मुझे अंडा वेज है या नॉन वेज, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, नीचे लिख दो भाई लोग, बस जल्दी करो यार।